दोस्तों, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर आप उसे क्रैक करना चाहते हैं, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर प्रतिदिन भले ही आप पढ़ते हो, लेकिन अगर आप पुराने जो फैक्ट हैं उनका रिवीजन नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम टाइम पे आपको कुछ भी याद नहीं आएगा और आपकी सारी मेहनत जो है वो बेकार जा सकती है। तो इस चैनल पर ये एक नई सीरीज स्टार्ट की जा रही है। इसमें हम सभी पुराने प्रश्नों को और नए प्रश्नों को लेकर एक वीडियो आपको प्रतिदिन देंगे और इससे आपका जो करंट अफेयर है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। ये आज का पहला वीडियो है और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो 69th फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे, 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों, जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 12वीं फेल को। तो इसका आयोजन कब से कब तक किया गया फ्रेंड्स? तो 27 और 28 जनवरी को किया गया। कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में। इसमें जो बेस्ट फिल्म चुनी गई थी वो है 12वीं फेल। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला विधु विनोद चोपड़ा को 12वीं फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एक मूवी है उसके लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर को मिला है एनिमल फिल्म के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला डेविड धवन को और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है विकी कौशल को डंकी मूवी के लिए। तो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइए कि ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता मामले में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों, जो इसका आंसर है वो है चौथा। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत जो है वो पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर भारत। पांचवें स्थान पर है साउथ कोरिया की सेना। यानी कि ऑल ओवर भारत की जो सेना है वो पूरे विश्व में चौथी सबसे मजबूत सेना मानी गई है। और ये जो रैंकिंग है इसे ग्लोबल फायर पावर के अनुसार जो है जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई थी अभी हाल ही में वो कहाँ पर संपन्न हुई है? तो दोस्तों, ये जो मीटिंग हुई है ये दावोस स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई है। इसका सही जवाब आंसर बी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये मीटिंग 15 से 19 जनवरी 2024 को दावोस में संपन्न हुई और इसकी थीम रही है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया है? जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, अब इसमें 3 नई भाषाएं चुनी गई हैं। तो प्रश्न है कि भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा कौन सी बन गई है? तो इसका आंसर है यहाँ पर फारसी को। देखो फ्रेंड्स, भारत की जो 6 शास्त्रीय भाषाएँ अभी तक हैं तो उनमें तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया है। 3 नई भाषाएं इसमें जुड़ गई हैं, फारसी, पाली और प्राकृत। तो अब भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों, जो इसका आंसर बनेगा गुजरात, कर्नाटक, केरल, उपरोक्त सभी में ऑप्शन डी सही होगा। राज्य की जो स्टार्टअप रैंकिंग 2022 आई है, हालांकि ये रैंकिंग 2024 में जारी की गई थी, तो इसमें गुजरात, कर्नाटक और केरल ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य बने हैं। इसको जारी किसने किया है? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा इसे जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करना। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? तो एसोचैम के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये हैं संजय नायर। संजय नायर एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब बात करेंगे एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये होता है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1920 में, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन से सेवानिवृत्त हो गए हैं? तो दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये हाल ही में राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF विश्वकप 2024 में बिंदिया रानी देवी ने कौन सा मेडल जीता है? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF विश्वकप 2024 में बिंदिया रानी ने कौन सा मेडल जीता? दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल।
कौन सा मेडल? ब्रोंज, यानी कि कांस्य पदक जीता है। तो देखो फ्रेंड्स, इसका आयोजन कहाँ पर चल रहा है? तो थाईलैंड के फुकेट में इसका आयोजन चल रहा है। 31 मार्च से 11 अप्रैल तक इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। 55 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रोंज जीता है किसने? तो दोस्तों ये हैं बिंदिया रानी देवी ने, ठीक है, और इन्होंने कुल 196 किलोग्राम वजन को उठाया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम है जुआन विंसेंट पेरेज मोरा, इनका निधन हो गया है। तो ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और इनका निधन हो गया है। तो इनका जो संबंध है दोस्तों वो वेनेजुएला से हैं। ये ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन डी। तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, इनकी उम्र 114 वर्ष है और 114 वर्ष की अवस्था में इनका जो है वो निधन हो गया है, तो याद रखिएगा। और इनका जन्म हुआ था 27 मई 1909 में। 2023 में साउथ अफ्रीका की रहने वाली जोहाना माजीबुको का 128 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ था। ये दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला मानी गई थी। तो ये कहाँ की थी? साउथ अफ्रीका थी, साउथ अफ्रीका की रहने वाली जोहाना माजीबुको। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 3 अप्रैल को कहाँ पर 7.5 तीव्रता के भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। तो आपको याद ही होगा कि अभी हाल ही में ताइवान में बहुत ही तीव्रता का भूकंप आया था और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही भीषण तबाही मची है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 अप्रैल को ये भूकंप आया था। इसकी तीव्रता 7.5 मापी गई थी और सबसे अधिक प्रभावित जो शहर हुआ है ताइवान का, उसका नाम है हुलियन शहर। ताइवान के राष्ट्रपति हैं लाई चिंगते, मुद्रा का नाम है न्यू ताइवान डॉलर और ताइवान की राजधानी होती है ताइपे। किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को 48 सेकेंड तक मेंटेन किया है? तो दोस्तों ये जो एक तरीके से आर्टिफिशियल सन बनाया गया है जिसमें 100 मिलियन डिग्री का जो तापमान है उसको 48 सेकेंड तक मेंटेन किया गया है, तो साउथ कोरिया में इसे किया गया है। तो ये तापमान सूर्य के कोर से 7 गुना अधिक है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, असम के राज्य के कितने प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है? तो हाल ही में कुल मिला के लगभग 60 प्रोडक्ट को एक साथ GI टैग दिया गया। इसमें यूपी के कुल मिला के देखा जाए तो कितने थे? तो यूपी के कुल मिला के यहाँ पर 15 प्रोडक्ट को शामिल किया गया। अब यूपी में कुल 69 प्रोडक्ट हो गए हैं और भारत में GI प्रोडक्ट के मामले में यूपी टॉप पर आ गया है। तो सबसे अधिक जो उत्पाद हैं उत्तर प्रदेश के हैं जिनको GI टैग दिया गया है। हालांकि बात यहाँ पर असम की हो रही है, तो असम के कुल 19 उत्पाद ऐसे हैं जिनको जो है GI टैग दिया गया। विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.5%। विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5% बढ़ने का अनुमान लगाया है। दोस्तों करंट अफेयर की जो मंथली ई बुक आती है और लास्ट 3 मंथ की जो ई बुक है उसकी PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आप चाहते हैं तो ये सेशन प्रतिदिन आप लोगों को बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग दे दिया जाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, इस वीडियो का एक लाइक टारगेट भी मैं रख देता हूँ और वो है कि मात्र 200, क्या 200 लाइक्स आज हमें मिल पाएंगे? ये मैं देखूँगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।